चक्रवाती तूफान ताऊते थमा ही नहीं था कि चक्रवाती तूफान यास ने लोगों को सकते में ला खड़ा कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 27 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा वेदर फोरकास्ट मिल रहा है, जिसको देखते हुए NDRF ने एक इमरजेंसी फोरकास्ट यानी पूर्व अनुमान प्राप्त किया है, जिसके मुताबिक 27 मई को भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही गई है। NDRF लगातार मौसम विभाग के संपर्क में है। इस चेतावनी को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट किया गया है, जिससे किसी प्रकार की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। चक्रवाती तूफान यास गोरखपुर मंडल सहित मऊ और बलिया भी प्रभावित हो सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। जैसे आप देखो जी, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो दिया गया है उसके अनुसार ये गोरखपुर और इसके आसपास के इन क्षेत्रों में, मतलब अगर आप देखें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, इन सभी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और ये मोटा अगर देखा जाए तो आज आपका 26 तारीख है, उस हिसाब से अभी थोड़ा सा ये विंड स्पीड और बढ़ेगी धीरे धीरे। आज देर शाम से या कल से इस पर थोड़ी चेतावनी की बात आ रही है। और ये वाला जो पूरा देखिए, यानी कि ये पूरा लैंड कर गया है, और ये पहला जो ये चक्रवात का ये पोर्शन है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर हम और इलेबोरेट करें तो अब आप देखिए ये जो पूरा चक्रवात का जो पोर्शन है ये धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि ये इंडिया के अंदर कर गया है। तो अब ये धीरे धीरे ये प्रेशर इस तरफ की ओर ये बढ़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर अलर्टनेस है। हालांकि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो इसलिए हम लोगों ने सतर्कता बनाए रखी हुई है। देखिए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोगों को वेदर फोरकास्ट मिल रहा है, और अभी जस्ट एक हम लोगों ने एक इमरजेंसी फोरकास्ट अभी उन्होंने रिसीव किया है, उसके अनुसार दिनांक 27 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार पे हवा चलने की भी बात उसमें कही गई है। तो ये जो लगातार हम लोग मौसम विभाग के साथ संपर्क स्थापित किए हुए हैं, और जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो हम लोग अपने जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अन्य डिपार्टमेंट्स को हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कल एक अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को स्टैंड बाय मोड में किया हुआ है कि अगर कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उस पर त्वरित रिस्पॉन्स कर सकें। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों पहले हुदूद चक्रवात आया था, तो हुदूद चक्रवात के दौरान भी गोरखपुर में 3 जनहानि हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ऐसी घटित ना हो जिसके कारण व्यापक रूप में कोई क्षति हो, तो उसको न्यून करने के उद्देश्य से सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है, और लगातार हम लोग संपर्क स्थापित किए हुए हैं जिससे कि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। सर, तूफान का असर गोरखपुर के साथ किन किन जिलों में? देखिए, पूर्वांचल के जिलों को लेकर के उन्होंने अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरा गोरखपुर मंडल है ही, इसके अलावा मऊ बलिया के भी क्षेत्रों में भी उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूर्वांचल का बेल्ट है उस पर अलर्ट है, और ऑलमोस्ट ये डिस्ट्रिक्ट इसमें प्रभावित हो सकते हैं।